मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के भी कराए थे सर। अच्छा, तो मैंने लास्ट टाइम f ऑफ x प्लस वन, f ऑफ x माइनस वन, f ऑफ 2x का कराया था और f ऑफ x बाय 2 का कराया था, ये सब कराए थे। अच्छा, यस सर। तो आप बता सकते हो क्या मुझे कि f ऑफ x प्लस वन में क्या होता है, ग्राफ में कैसे शिफ्टिंग होती है? सर एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा सर हाँ, और इसमें 1 यूनिट। हाँ, और ये f ऑफ x माइनस वन, सर इसमें राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा सर 1 यूनिट एक्स एक्सिस पर। हाँ, और इसमें क्या होता है f ऑफ 2x में? सर एफ ऑफ 2x में सर 2 टाइम्स श्रिंक हो जाता है सर एक्स एक्सिस पर, हाफ हाफ हो जाता है सर। वेरी नाइस, कॉम्प्रेस हो जाता है अलोंग एक्स एक्सिस और इसमें एक्सपेंड हो जाता है अलोंग एक्स एक्सिस। वेरी नाइस, माधव शर्मा म्यूट कर ले। आर्यन प्रखर, यस सर। ये बताओ, अभी मैंने ये सारे बता दिए हैं, अब मुझे दो नए पूछने हैं आज। एक है एफ ऑफ माइनस एक्स और एक है एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स, तो आप कुछ बता सकते हो इन दोनों के बारे में कि अगर एफ एक्स का ग्राफ पता हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा और एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स में क्या होगा? सर मुझे ये जो फंक्शन के अंदर वाला जो ग्राफ है वो कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आया अच्छे से सर, ये मतलब क्या हो रहा है वो समझ में आ गया। ये वाले भी समझ में नहीं आई चारों? यस सर। तो शुड आई एक्सप्लेन यू अगेन? ये वाले जो है, यस सर। ठीक है, चलो म्यूट कर लें, सब बच्चे एक बार देख लें, रिवीजन भी हो जाएगा। कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हेन आई से वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देयर आर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्वड, वन इज वाई, अनदर इज एक्स, ठीक है, आउट ऑफ व्हिच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हु इज इंडिपेंडेंट? हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स एंड हु इज डिपेंडेंट? वाई। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट, एज इन कि आपको पता है जब एक्स की वैल्यूज -4 से +4 तक जा रही है तो एफ एक्स का बिहेवियर along x-axis, the values of y, they are following this pattern. कि अगर f को ये पता है कि मेरे अंदर की वैल्यू जब -4 से +4 तक जाती है तो I have to perform these variations, कि 0 से वैल्यू 1 तक जाएगी, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 along the curve, 1 से 0 along the curve, y-axis पे वैल्यू 0 से 1, 1 से 0 along the curve, फिर along the लाइन सेगमेंट -2 से -1 जब इसके अंदर की वैल्यू जाती है तभी अलोंग द लाइन सेगमेंट 0 to 1 जाता है, जब वैल्यू अंदर की -1 to 0 जाती है तभी 1 to 0 जाता है अलोंग द लाइन सेगमेंट, फिर इसके अंदर की वैल्यू 0 से 1 जाती है, फिर इससे कर्व के अलोंग 0 to 1 जाता है, 1 से 2 जाती है कर्व के अलोंग 1 से 0 जाता है, 2 से 3 जाती है कर्व के अलोंग 0 से -1 जाता है, 3 से 4 जाती है कर्व के अलोंग माइनस सॉरी लाइन सेगमेंट के अलोंग 0 से -1, -1 से 0। तो एफ को अपने बारे में ये पता लग गया है कि मेरे अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाएगा, उस पे मेरी डिपेंडेंस कैसी है, कि दिस इज माय वेरिएशन, कि मेरे अंदर ये वैल्यूज आएंगी -4 से 4 तक की, और वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी आइदर देयर विल बी एक्स और देयर विल बी सम फंक्शंस ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस वन है, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस वन है, यहाँ पे एक्स की जगह 2x है, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स बाई 2 है, बट द नेचर ऑफ एफ विल बी गवर्न बाय द ओरिजिनल ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन विच द वैल्यूज ऑफ एक्स वर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस, इन दिस पर्टिकुलर केस द वैल्यूज आर फ्रॉम -4 to +4,
मूवमेंट एफ गेट एक्स प्लस वन इन साइड, पहला सवाल इसका एक्स प्लस वन से ये होगा कि भाई एक्स प्लस वन, क्योंकि अब तुम मेरे अंदर हो, मुझे ये पता है कि मेरे अंदर की वैल्यू जब माइनस चार से चार तक जाती है तब मुझे कैसे बिहेव करना होता है, मेरा बिहेवियर ये है। तो एक काम करो कि अगर आपको मेरा ग्राफ बनवाना है अपने अंदर x प्लस वन रख के, तो आप जाके, क्योंकि आप x से रिलेटेड हो, x से पूछ के आओ कि जब आपको ये वैल्यूज चाहिएगी उस समय पे x क्या होगा, क्योंकि फाइनली हमें ग्राफ कहाँ बनाना है, x एक्सिस पे, जहां पे वैल्यूज किसकी होंगी, x की। लेकिन ग्राफ किसका बनेगा, f ऑफ x प्लस वन का, तो वो कनेक्टेड किससे होगा, x की वैल्यूज से, लेकिन उसका नेचर किससे डिसाइड होगा, f ऑफ x प्लस वन से। तो f ने कहा x प्लस वन से कि क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर की वैल्यूज जो माइनस चार से चार जाती है तब मेरा ये बिहेवियर है। आप सिर्फ इतना पता करके आ जाओ कि जब मेरे अंदर आपको ये वैल्यूज रखनी होंगी तब x क्या बनेगा। तो इन्होंने कहा कि जब अगर x प्लस वन माइनस फोर है, x विल बिकम माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू। तो x प्लस वन जब x के पास गया, क्योंकि f ने भेजा था, f ने कहा था मुझे बस इतना पता है कि मेरे अंदर वैल्यू अगर माइनस चार से चार जाती है तो मैं ये कर देता हूं, ये x के पास गया, x ने से ये जवाब देके भेजा अगर तुम अपनी वैल्यू माइनस चार से चार तक रखना चाहते हो तो तुम्हें x एक्सिस पे वैल्यूज लेनी पड़ेंगी माइनस पांच से तीन तक। मतलब यहाँ पे अगर माइनस पांच है और यहाँ पे तीन है, तो इसका मतलब जो काम आप करना चाह रहे हो, अपने अंदर माइनस चार से चार चाह रहे हो, वो काम आपको x एक्सिस पे कहां करने का मौका मिलेगा, जब x की वैल्यू माइनस फाइव से थ्री तक होंगी। Does it make sense? आर्यन प्रखर अनम्यूट करें। सर ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो x प्लस वन और आपने x की टेबल बनाई है वो बनाई क्यों है, आपने क्या किया है वो तो समझ में आ गया। क्योंकि क्योंकि अगर किसी ने f of x प्लस वन का ग्राफ बनाने को बोला है, yes, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई एक एक्सिस x प्लस वन एक्सिस मिलेगी, हमें एक्सिस हमेशा x एक्सिस ही मिलेगी, वहां पे वैल्यूज किसकी होंगी, x की वैल्यूज होंगी, बट हमें ग्राफ किसका बनाना है, f of x प्लस वन का बनाना है, और f का बिहेवियर किस पे डिपेंड कर रहा है, जो f के अंदर लिखा है, f के अंदर यहाँ पे x लिखा था, अब यहाँ पे x प्लस वन लिखा है, तो f ये ढूंढेगा, क्योंकि उसकी डोमेन माइनस फोर से फोर तक है, उसे अपना माइनस फोर से फोर तक का बिहेवियर पता है, तो उसे ये लगेगा कि मेरे अंदर की वैल्यू माइनस चार से चार तक कब जा रही है, तो वो कहेगा कि मेरे अंदर की वैल्यू माइनस चार से चार कब जा रही है, x एक्सिस पे, तो उसे पता लगेगा x एक्सिस पे उसके अंदर वाली वैल्यू माइनस चार से चार कब जाती है, जब x की वैल्यू माइनस पांच से तीन तक जाती है, इसलिए उसको वही बिहेवियर जो पहले माइनस चार से चार तक दिखाना पड़ रहा था fx के केस में, f of x plus 1 के केस में, वो बिहेवियर x एक्सिस पे माइनस पांच से तीन के बीच में दिखाना पड़ेगा। ओके सर, मेक सेंस? यस सर। राइट, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट रह गया हो इसमें, अभी भी समझ में ना आ रहा हो? हाँ, नेम, योर नेम? सर अनुष्का पांडे। हाँ अनुष्का बोले। सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई फंक्शन x स्क्वायर है, हाँ, तो सर जैसे y इक्वल्स टू x 4 आ रहा है, तो सर x की वैल्यू 2 हो गई, 2 भी हो गई और माइनस 2 भी हो गई, राइट? तो सर जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर पे भी y इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो x 1 हो जाएगा या माइनस 1 हो जाएगा? करेक्ट, नहीं मतलब ऐसा है कि देखो अगर y बराबर x स्क्वायर हुआ तो, और आपने कहा कि x स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो x बराबर 2 या माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने कहा y बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर है और x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4 हुआ, तो x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 2 होगा, यानी x बराबर माइनस वन प्लस टू होगा और माइनस वन माइनस टू होगा, यानी कि माइनस वन कॉमा माइनस थ्री होगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर मैं ग्राफ बनाना ड्रॉ करूं, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं,
कि ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है और ये अगर यहाँ पे माइनस वन है तो x प्लस वन के स्क्वायर का ग्राफ होगा, ये हो जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय वन यूनिट, और जबकि ये क्या है y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। सो सर बेसिकली हम लोग जैसे x का x रखने पर सर x की वैल्यू 2 आ रही थी और x प्लस 1 रखने पर x की वैल्यू 1 आई, तो इसलिए डिक्रीज हो रही है, इसलिए लेफ्ट साइड हमने शिफ्ट किया ना। डिक्रीज और इंक्रीज से कोई मतलब नहीं है, व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम, अगर आपको और किसी तरीके से समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे देख लो कि हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू 0 कहां हो रही थी, जब x की वैल्यू 0 थी तब हो रही थी, ये वैल्यू 0 कहां पे हो रही है, x प्लस 1 0 कब हो रहा है, x प्लस 1 0 का मतलब है x is equal to minus 1, इसका मतलब जो काम या इसके केस में 0 पे होता था वो काम इसके केस में minus 1 पे होगा, इसके केस में वो काम कहां होगा x minus 1 is equal to 0 में, कि x minus 1 is equal to 0 वो काम x is equal to 1 पे होगा, इसका ओरिजिन 0 पे था, इसका ओरिजिन minus 1 पे है, इसका ओरिजिन 1 पे है, अगर हमें x minus 1 के स्क्वायर का ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, दिस इज x minus 1 का स्क्वायर, हमारे अंदर जो भी चीज लिखी होगी f के अंदर उसको हम सीधे 0 से इक्वेट कर देंगे और 0 रखने से जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा ओरिजिन बन जाएगा, उसी के अराउंड वो सेंटर बन जाएगा, उसी के अराउंड हमारा ग्राफ बनेगा, ये x प्लस 1 के स्क्वायर में क्योंकि x की जगह x प्लस 1 था, अगर ये fx है, इफ दिस इज fx, अगर ये fx है तो ये f ऑफ x प्लस 1 है लेफ्ट शिफ्ट, अगर ये fx है तो ये f ऑफ x माइनस 1 है राइट शिफ्ट, दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज राइट शिफ्ट, द होल ग्राफ शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 यूनिट, होल ग्राफ शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 यूनिट। तो सर हम लोग उस फंक्शन को यानी 0 की इक्वल रख के x की वैल्यू निकालने तो उतना शिफ्ट होगा, हां फंक्शन को नहीं, फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। ओके सर, ओके सर, राइट। और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कोई डाउट है सर? वी कैन से राइट की ये 0, ये रूट्स होते हैं, पहले नाम बताएं। विपुल गोयल। हां विपुल, क्या कह रहे हो सर? कि ये x के मतलब रूट्स मिल जाएंगे हमें कि कितने आएंगे, जैसे y is equals to x plus 1 का होल स्क्वायर है तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 और माइनस 1 आएंगी दो बार, मतलब टू इक्वल रूट्स आएंगे, तो ये रूट्स ही तो हो जाएंगे सर एक प्रकार से, वो एक टाइप से, और वहां से हमने उसको ग्राफ बना लिया। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि इसके रूट्स हो जाएंगे, इसके दो कोइंसिडेंट रूट आएंगे 1 1, इसके रूट आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार रूट जैसी चीज आए, मतलब हो सकता है ग्राफ टच भी ना कर रहा हो एक्स एक्सिस को, ऊपर की ऊपर हो ग्राफ, है ना, तो रूट्स का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है आपस में, ये चीज सही है कि इसके हाँ दो रूट्स हैं 1 एंड 1, इसके दो रूट्स हैं -1 -1, बट उनका इस ग्राफ से कोई लेना देना नहीं। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस, ये है f of x minus 1 का ग्राफ, ये वाली पीक इसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ग्राफ, ये वाला ऐसा, दिस इज f of x minus 1, f of x minus 1 राइट शिफ्ट हो गया, f of x plus 1 लेफ्ट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट एंड राइट। चलो तो फिर मैंने जो क्वेश्चन आर्यन प्रखर से पूछा था वो देवगुरु पराशर पे चला जाएगा, वो क्वेश्चन देवगुरु बताएं। यस सर। f ऑफ -x का क्या लगता है ग्राफ क्या होगा? सर y एक्सिस के अलोंग फ्लिप हो जाएगा शायद। हां फ्लिप हो जाएगा क्योंकि उसको अपने अंदर जब पॉजिटिव x एक्सिस होगी तो अपने अंदर नेगेटिव वैल्यूज दिखाई देंगी। यस जो पॉजिटिव एक्सिस होगी तो पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई देंगी, तो बिहेवियर फ्लिप कर जाएगा अबाउट y एक्सिस। And what do you think will happen in case of f of modulus x? Sir, modulus x में negative की value लेंगे नहीं है x की, जो negative values होंगी उसके correspond जो positive होगा, मतलब positive side shift हो जाएगा graph। नहीं, f of modulus x का आप पूरी तरह से ही नहीं बता पाए हो। चलो अर्चित कुलश्रेष्ठ,
बताए बेटा एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स में क्या लगता है आपको क्या होगा? गुड आफ्टरनून सर, नेगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा एक्स एक्सिस को। नेगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा सर, एक्स एक्सिस पे ऊपर फ्लिप हो जाएगा। नहीं, और कोई बच्चा? नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्री फॉर ऑल। सर, हाँ, नाम? सर अनुष्का पांडे। हाँ अनुष्का बोलो। सर एक्स की अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू होंगे तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगी मॉड एक्स की वजह से। हाँ तो तो सर एक ही तरफ का ग्राफ बनेगा शायद। मतलब आपके हिसाब से अगर ये ग्राफ था राइट साइड पे तो सिर्फ यही बनेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं बनेगा। That's what you mean to say? Sir? हाँ सर आरुषि गुप्ता। सर जो मेरा इमेज बन जाएगी राइट साइड के लेफ्ट साइड में। एंड कैन यू टेल मी द रीजन? सर क्योंकि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज पे आना चाहिए था एक्स का ग्राफ, मतलब -2 या -3, वो अब पॉजिटिव की तरह ही बन पाएगा, मतलब +2 +3 जो उन पे बनना चाहिए था वो उस तरह का बनेगा। क्योंकि इसको f को अपने अंदर जब यहाँ चलेगा तब भी 0 1 2 3 4 दिखेगा, और जब यहाँ चलेगा क्योंकि मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ -3 मॉड ऑफ -4 उसको अपने अंदर 1 2 3 4 ही दिखेगा, तो वो बिहेवियर भी वैसा ही करेगा जैसा वो 0 से 4 के बीच में कर रहा था। नाइस, वेरी नाइस आरुषि। कि ये जो होगा नेगेटिव साइड का ग्राफ मिटा के पॉजिटिव साइड का ग्राफ सिंपली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एफ को एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी इसको 0 1 2 3 4 दिख रहा है, इस तरफ भी इसको 0 1 2 3 4 दिख रहा है, और एफ बिहेव उसी हिसाब से करेगा जो उसको दिखाई देगा। उसको यहाँ पे भी 0 to 4 दिख रहा है, उसको यहाँ पे भी 0 to 4 दिख रहा है। इज दैट क्लियर? ऑन द अदर हैंड एफ ऑफ माइनस एक्स के केस में क्या होगा? जो काम इधर हो रहा था वो यहाँ, जो इधर हो रहा था वो यहाँ, इधर हो रहा था वो यहाँ, तो मतलब ये वाली चीज इस तरफ हो जाएगी और जो यहाँ हो रहा था वो यहाँ। इसका मतलब हमने कैसे बनाया था, लाइक ये बना के और ऐसा बनाया था, तो यानी कि ये हो जाए। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स। एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स लिख लें सब बच्चे, इट इज लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस ग्राफ एंड रेप्लिकेट ग्राफ ऑन लेफ्ट सेम एज राइट। ये हो गया लॉजिक एफ ऑफ मॉड्यूलस एक्स का, क्योंकि एफ को अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही दिखाई देंगी। ऑन द अदर हैंड एफ ऑफ माइनस एक्स रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि जब माइनस एक्स को आप कहोगे हमें चाहिए 0 1 2 3 4 तो एक्स की वैल्यूज देखने जाएगा, वो क्या मिलेंगी 0 -1 -2 -3 -4। जब वो माइनस एक्स से कहेगा हमें वैल्यू चाहिए 0 -1 -2 -3 -4 एक्स से पूछने जाएगा तो वैल्यूज कौन सी मिलेंगी, ये वाली। तो जो नेगेटिव वाला बिहेवियर है वो मिलेगा पॉजिटिव साइड पे, जो पॉजिटिव वाला बिहेवियर है वो मिलेगा नेगेटिव साइड पे। किसी बच्चे को क्लैरिटी ना हो तो पूछ लें, समझ में ना आ रहा हो तो, कोई कंफ्यूजन हो। हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ तनिष्क सर, मेरा डाउट था सर वो आखिर था एफ माइनस एक्स के ग्राफ से मुझे क्लियर नहीं हुआ इतने अच्छे से। हाँ तो ये बताओ ये टेबल क्लियर हुई है आपको, ये दोनों टेबल? यस सर, यस सर, यस सर। अब एक बात बताओ, जब हम एक्स एक्सिस पे यहाँ चलेंगे
ये है जीरो, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज है, हम यहां पे चले तो माइनस एक्स क्या होगा, ये वैल्यूज होंगी, तो एफ का अगर माइनस एक्स है तो उसको एफ को अपने अंदर कौन सी वैल्यूज दिखाई देंगी, ये वाली, तो yes, sir. कौन सा बिहेवियर दिखाएगा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, yes, sir. कौन सा था, ये वाला, ओके सर, तब जब हम इस तरफ चलेंगे व्हेन वी ट्रेवल ऑन दिस साइड हमको दिखाई देगा ये, हमको एक्स की ये वैल्यू दिखाई देंगी, ये वाली, राइट, तो उसकी वजह से माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये, तो एफ को अपने अंदर क्या दिखेगा, जीरो वन टू थ्री फोर, तो एफ कौन सा वाला बिहेवियर दिखाएगा यहाँ पे, जो पॉजिटिव साइड पे हो रहा था उसके, तो ये वाला, ओके सर, क्लियर हो गया, बहुत, हाँ सर, अंशुल चौधरी, हाँ अंशुल बोलता है सर, एफ मोड एक्स की जो रेंज होगी सर वो पॉजिटिव होगी हमेशा, नहीं रेंज के बारे में नहीं, रेंज नहीं कह सकते कि हमेशा पॉजिटिव होगी, तो वाई तो उसकी रेंज ही होगी ना, हाँ वाई रेंज है, मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एफ ऑफ मोड एक्स अगर ये हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एफ को अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई देंगी, इसका मतलब एफ का बिहेवियर हमेशा वैसा ही होगा जैसा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है, एफ का बिहेवियर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये वाला है, तो भले ही आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज देखो या आप एक्स की नेगेटिव वैल्यूज देखो, एफ को अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव ही दिखेंगी, तो एफ अपना बिहेवियर हमेशा ये ही रखेगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिलो एक्स एक्सिस नहीं जा सकता, ये बिलो एक्स एक्सिस जा सकता है, तो वाई की नेगेटिव आ सकती है, हाँ आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये एफ ऑफ मॉड एक्स भी पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता था कि मतलब लाइक ग्राफ अगर ऐसा होता, मान लो ग्राफ ऐसा था और यहाँ पे ये ऐसा था, ठीक है, ये ओरिजिनल ग्राफ था, ये एफ एक्स का ग्राफ था, और किसी ने पूछा होता कि एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता, तो आप क्या बनाते कि भाई एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो वो ऐसा बिहेव कर रहा है, और आपको पता है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा तो फिर तो वो सिर्फ जैसा बिहेवियर यहाँ हो रहा है वैसे बिहेवियर यहाँ होता, इसमें तो इसको एक भी बार पॉजिटिव बनने का मौका नहीं मिला, ये तो थ्रू आउट नेगेटिव है या जीरो है, तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, इस पे डिपेंड करता है कि एफ का बिहेवियर पॉजिटिव एक्स के लिए क्या है, वही रेप्लीकेट हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि एफ को अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही देखने को मिल रही है, तो एफ अपना बिहेवियर दोनों तरफ वही दिखाएगा जो पॉजिटिव ओरिजिनल ग्राफ में पॉजिटिव एक्स की तरफ, हेलो सर, सर मेरा नाम प्रशांत है, हाँ जी प्रशांत बोलिए, सर मुझे वो नेगेटिव एक्स वाला ग्राफ पर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट, यस सर, एफ ऑफ माइनस, यस सर, करेक्ट, आपको ये समझ में आ रहा है प्रशांत, यस सर, कि अगर मेरा ओरिजिनल ग्राफ, इफ माय ओरिजिनल ग्राफ इज This. यहां पे ऐसा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि x की वैल्यू जब 0, 1, 2, 3, 4 जाएंगी तब f ऐसे बिहेव करेगा, ऊपर जाके नीचे जाएगा, ऊपर कर नीचे लाइंस, और मुझे ये भी पता है कि अगर f के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो क्या करेगा, पहले लाइंस ऊपर नीचे फिर कर ऊपर नीचे, ये ग्राफ का ओरिजिनल बिहेवियर है, ठीक है, यस सर, ये एफ एक्स का ग्राफ है, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, अब एफ को अपने अंदर क्या दिखाई देगा, हमेशा नेगेटिव ऑफ एक्स दिखाई देगा, तो एफ ने क्या कहा, जब इस तरफ ट्रेवल करना शुरू किया 0, 1, 2, 3, 4, तो ये किसकी वैल्यूज है प्रशांत, यस सर, ये किसकी वैल्यूज है, इधर एक्स की वैल्यू, इधर पॉजिटिव है, ये एक्स की वैल्यू, राइट, अब इनका नेगेटिव क्या होगा, इनका नेगेटिव -1 -2 -3 -4, राइट, तो एफ को अपने अंदर क्या दिखाई देगा,
जब x यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो नेगेटिव वैल्यूज, मतलब ये वैल्यूज दिखाई देंगे। yes, तो कैसा बिहेवियर करेगा ये बात। ओके सर, आई बात समझ में? यस सर, यस सर। जब हम यहाँ ट्रेवल करेंगे तो x की वैल्यूज ये हैं, नेगेटिव है। f को अपने अंदर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? नेगेटिव। और यस यस सर, यहां पे क्या दिखेगा? यहां पे सर, यहां पे सर पॉजिटिव। क्लियर? यस सर, राइट। थैंक यू सर। या और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सर इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, तो जैसे सर अगर x मैंने डाला और उस फंक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, तो वो एक्सप्रेशन उस x पे आके दिखाई देगा। जैसे सर x प्लस वन है, अगर मैंने वहां पे 4 डाला तो वो 5 की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट। ओके सर। सर जैसे हमें दे दिया y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ, तो सर जैसे हमारे पास y माइनस एक्स का ग्राफ जैसे आ रहा है, वैसे वो y माइनस एफ एक्स का ग्राफ वैसे आएगा बस अलोंग y एक्सिस। नहीं देखो, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर होता है और ब्रैकेट के बाहर होता है तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। जब ब्रैकेट के अंदर होता है तो बिल्कुल चीजें हमें उस हिसाब से लेनी पड़ती हैं कि f को अपने अंदर क्या दिखाई दे रहा है और उसका ओरिजिनल बिहेवियर कैसा है, दोनों को कंपेयर करना पड़ता है ना, और x की एक्चुअल वैल्यूज देखनी पड़ती है। जब बाहर लगा दिया माइनस तो आप सीधे सीधे y वैल्यूज का माइनस ले रहे हो, y वैल्यूज का माइनस ले रहे हो, इसका मतलब y वैल्यू अगर यहाँ पर है, y वैल्यू इतनी है तो इसका माइनस कहाँ है? यहाँ। y वैल्यू अगर इतनी है तो इसका माइनस कहाँ है? यहाँ। ये तो सिर्फ अदला बदली हो जाती है x एक्सिस के अबाउट, मिरर इमेज हो जाता है x एक्सिस के अबाउट। तो बाहर माइनस लगना और x अंदर जाके माइनस लगना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सर पर सर जो अभी आपने बताया सर, और अगर माइनस है y इक्वल टू एफ एक्स का तो ऊपर चला जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो नीचे आ जाएगा। तो सर एफ माइनस एक्स में भी तो यही हो रहा है, जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव चली गई और जो नेगेटिव थी पॉजिटिव तरफ आ गई। सर आप कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो अगर आपको एक रूल बनाना है कि भाई कि मतलब हाँ इसमें जो था इसमें तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो गया, इसमें रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। यस यू कैन मेक दैट रूल। ओके सर, ओके सर, मेक्स यू फील कंफर्टेबल देन यू कैन मेक दिस रूल। Yes, negative fx reflection about x-axis. F of minus x reflection about y-axis. This is, yeah, you can note it down yourself. और किसी को कुछ पूछना हो? अब हम कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप बताओ, मैंने आप लोगों को साइन कॉस टेन, क्या इन तीनों का ग्राफ बता रखा है साइन कॉस टेन का? नहीं सर, ओनली साइन और कॉस का बताया था, टेन का नहीं बताया। राइट, यस सर। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई इज इक्वल टू टेन एक्स के ग्राफ की। How the graph of 10x will look like.
हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। वो सर आपने -2π और 2π का जो वो बनाया ग्राफ, वो सर आपने बोर्ड छोटा इसलिए नीचे नहीं किया या होता ही है? नहीं, बोर्ड छोटा इसलिए नहीं किया। ऐसा तो आप sin x के केस में पूछ सकते थे कि सर आपने वहीं पे का छोड़ दिया, आपने इनफाइनाइट तक क्यों नहीं बनाया? नहीं, या cos x के केस में भी कह सकते थे, मतलब ये पूरा इंफिनिटी तक जाता है। ओके लेसन। अच्छा वो पूछ लिया, और ना आप सोचते कि ये 2π पे इधर खत्म, -2π पे इधर खत्म। तो बताओ भाई इनकी डोमेन और रेंज क्या होगी? What will be the domain of 10x? What will be the range of 10x? Arushi ne bataya domain all real numbers. Arushi, remember the definition of domain? Yeah, how do we define domain? Tanishq ne bataya range R. Phir Tanishq ne kuch aisa bataya ki Devguru Parashar ne bataya hai 2n minus 1 minus this. Devguru Parashar ka theek lag raha hai shayad. रेंज तो ऑल रियल नंबर्स होगा। आर्यन प्रखर आपने 2n प्लस 1 इंटू पाई क्यों किया बेटा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होना चाहिए था ना। आर में से जो माइनस करोगे ये ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है ना। तो देखो सब बच्चे देख लें, देखो पहली बात तो 10x बराबर क्या होता है? होता है ये sin x अपॉन cos x। तो जहां जहां cos x जीरो होगा वो सारे पॉइंट हटाने पड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन की एक डेफिनेशन आरुषि हमने ये बोली थी, ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। तो यहां पर जहां जहां cos x जीरो हो रहा है वहां वहां 10x डिफाइंड नहीं हो। सो वी नीड टू रिमूव ऑल दोज पॉइंट्स फ्रॉम द रियल नंबर्स जहां जहां cos x जीरो हो रहा है। तो वी रिमूव ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2n प्लस 1 इज व्हाट? ऑड नंबर्स। 2n प्लस 1 में क्या क्या नंबर्स आते हैं? They are of the type plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, all these numbers. They are odd numbers. So, yahan pe ye sare numbers hat jayenge. One more thing I wanted to tell you. Jitni bhi horizontal lines hoti hain. For example, horizontal line sabse pehli kaun si hai? X-axis. Wo kya hai? Uski equation kya hai? Y is equal to 0. कोई दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी y = 1, और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y = 2। ऑन द अदर हैंड वर्टिकल लाइंस जैसे होती हैं
ये है वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू. ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाय टू. इसकी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाय टू. तो दीज आर वर्टिकल लाइन्स. वर्टिकल लाइन्स आर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. वर्टिकल लाइन्स x is equal to constant. Horizontal lines, horizontal lines are y is equal to constant. Y is equal to 0 is x-axis, one of the most important horizontal line. X is equal to 0 is y-axis, one of the most important vertical line. Apart from these two, all other vertical lines are of the form x is equal to constant. All other horizontal lines are of the form y is equal to constant. Now, there is something called tangent. Tangent to a curve. Parth Agrawal, aap bataoge tangent to a curve kya hota hai? Good afternoon, sir. Good afternoon, Parth. Sir, tangent jo us line ko ek hi point pe touch karta hai. Us curve ko. एक लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट. यस सर. आपको लग रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, यस सर, टच दिस कर्व एट प्लस इनफिनिटी एंड ऑन द डाउन साइड एट माइनस इनफिनिटी. यस सर, इनफिनिटी पे हो सकता है एसिम्प्टोट. तो मैंने बताया हुआ है एसिम्प्टोट के बारे में. यस सर. कब बताया था, पहले बता चुके सर ये 10x, सॉरी किसी ग्राफ के बारे में. तो बच्चों ने तभी बोला था आपने 10x कराया ही नहीं. नहीं सर, 10x के रिस्पेक्ट में नहीं, किसी और के ग्राफ में शायद से सर. अच्छा, रेशनल फंक्शन में बताया था 1/x के लिए. 1/x में बताया था कि y एक्सिस और x एक्सिस होती है वो उसकी एसिम्प्टोट होती है, राइट. तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑल द लाइंस of the form x is equal to 2n plus 1 pi by 2, all these vertical lines are asymptotes for the curve y is equal to 10x because they are touching the curve at infinite. Infinity pe touch kar rahi hai, infinity pe touch kar rahi hai, yahan pe bhi infinity pe touch ho raha hai, infinity pe touch ho raha hai. So a tangent to a curve at infinity is called asymptote. Tangent to curve at infinite is called asymptote. सर. हाँ बेटा बोलो. सर पुष्पेन सर, सर मैं पूछ रहा था, आपने कहा कि x में से हम 2n plus 1 pi by 2 के वैल्यू हटा देंगे सर. सर आपने सर asymptote equal to 2n plus 1 pi by 2 क्यों लिखा है सर? Asymptote इसीलिए लिखा है कि ये वाली जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट डोमेन में तो है ही नहीं फंक्शन के, राइट. अगर आप ये ढूंढो कि इस x के लिए क्या ग्राफ पे कोई y है, अगर मैं कहूँ x बराबर pi by 2 पे y की क्या वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे? tan of pi by 2 क्या होता है? 1/√3. नहीं नहीं, 10 ऑफ पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है, 10 पाई बाय 6 होता है 1/√3. यस सर, वो 90. यस सर, 10 90 होता है, नॉट डिफाइंड सर. नॉट डिफाइंड है सर. पहले बचपन में आप लोग उसको इंफिनिटी भी बोल लिया करते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है वो इंफिनिटी नहीं होता. यहाँ पे होता है पाई बाय 2 के जस्ट लेफ्ट में पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे पाई बाय 2 के जस्ट राइट में होता है पाई बाय 2 प्लस. तो जब x पाई बाय 2 माइनस को अप्रोच करता है, पाई बाय 2 को लेफ्ट से अप्रोच करता है, तब 10x इनफाइनाइट जाता है. जब x पाई बाय 2 को राइट से अप्रोच करता है, तब 10x माइनस इनफाइनाइट जाता है. लेकिन एट पाई बाय 2 10x इज नॉट डिफाइंड. तो मैं यहां पर इस चीज को लिख दे रहा हूं, सब बच्चे अपने पास नोट डाउन कर लें कि बचपन में जो आप 1090, बचपन मतलब 4 महीने पहले जो आप बोला करते थे 1090 इनफिनिटी, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, 10x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, x टेंड टू पाई बाय 2 प्लस, 10x tends to minus infinite, x is equal to pi by 2, 10 pi by 2 is not defined. तो समझ में आ रहा है पुष्पेंद्र?
क्योंकि पाई बाई टू पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, इसलिए इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा डोमेन में से। डोमेन वो होती है एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए एफ एक्स की कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलती है, यहां तो मिल ही नहीं रही, तो जहां मिल नहीं रही वो पॉइंट डोमेन में होगा नहीं। सर ये पाई बाय टू प्लस और पाई बाय टू माइनस क्या है? हाँ नाम बताएं। सर खुशी। खुशी, खुशी ऐसा है, पाई बाय टू माइनस इज द नेम फॉर अ पॉइंट विच इज वेरी क्लोज टू पाई बाय टू ऑन द लेफ्ट ऑफ पाई बाय टू। पाई बाय टू प्लस इज अ नेम फॉर अ पॉइंट which is on the right of pi by 2, very close to pi by 2. Does that answer your question? Yes, sir. And how close? Much more closer than possibly you can imagine. It is that close. Right? So? Hmm. सर मेरा डाउट था कि सर पाई बाय टू प्लस में और पाई बाय टू में सर डिफरेंस क्या हुआ? देखो मैंने अभी अभी जस्ट अभी तो डेफिनेशन बताई है तनिष्क, जस्ट आपने मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पूछने का माइंड बना लिया था, लेकिन जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला है या थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट या फोर्थ लास्ट सेंटेंस बोला है वो आपने सुना है कि नहीं सुना? नो सर वो सुना नहीं, मतलब आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन को सोचा। ऐसा है, ये तीन दोस्त है, अमर अकबर एंथनी आपने नाम सुना है पिक्चर का, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब। नो सर नहीं सुना। अमर अकबर एंथनी नहीं सुना? अच्छा कोई बात नहीं, कभी रिसेंटली वो तो देखी होगी, मतलब ये जो लेकिन इन फिल्मों के नाम वैसे नहीं थे, मतलब जैसे कि तीन कैरेक्टर्स के नाम हो। एनीवे पाई बाय टू तो समझ में आ रहा है, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री। यस सर। तो पाई बाय टू के जस्ट राइट में, जस्ट आगे 90 के बाद कोई एक बहुत पास में कोई एक पॉइंट है, उसको हमने नाम दे दिया पाई बाय टू प्लस, क्योंकि हमें पता है यहां पे फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, माइनस का इनफाइनाइट। पाई बाय टू के जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट था, उसको नाम दे दिया हमने पाई बाय टू माइनस, हमको पता है वहां पे वैल्यू क्या जा रही है, प्लस का इनफाइनाइट। पाई बाय टू पे डिफाइंड नहीं है, पाई बाय टू राइट पे माइनस इनफाइनाइट है, पाई बाय टू प्लस पे, पाई बाय टू माइनस पे प्लस का इनफिनिटी, पाई बाय टू प्लस पे नेगेटिव का इनफिनिटी। ओके सर, क्लियर सर। पाई बाय टू के लेफ्ट में फंक्शन इनफिनिटी जा रहा है, पाई बाय टू के राइट में फंक्शन माइनस इनफिनिटी है, पाई बाय टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डोमेन All real numbers except odd multiples of pi by 2. Range, all real numbers. Minus infinite से plus infinite. Hello sir. हाँ बेटा, बोलो। मैं सर ये कह रहा हूँ सर, जो आपने नेगेटिव pi by 2 लिया है वो लिया ऊपर वाली साइड, जो पॉजिटिव को नीचे वाली साइड, बट सर ये तो उल्टा होता है ना, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। क्या नाम है आपका? सर प्रशांत नाम है सर मेरा। प्रशांत देखो, नेगेटिव जो है वो हम जब पाई बाय टू माइनस बोल रहे हैं ना, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, इसका सिर्फ मतलब इतना सा है कि पाई बाय टू के लेफ्ट में, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया पाई बाय टू माइनस। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, क्लियर। लेफ्ट में इसलिए उसको पाई बाय टू माइनस बोलते हैं। है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों पाई बाय टू के पास हैं, जीरो से तो बहुत दूर है, दोनों पॉजिटिव ही होंगे। अगर ये लेंगे तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा सर, कुछ चेंज होना चाहिए ना सर, थोड़ा पीछे होगा उससे, मतलब माइनस पाई बाय टू। आपका क्वेश्चन क्या है, आप फिर से पूछो क्वेश्चन। सर आप एसिम्प्टोट कह रहे हैं सर, मतलब टच करेगा इन्फिनिटी पे। मैं क्या कह रहा हूँ उसको भूल जाओ, आप मुझे ये बताओ कि आपका क्वेश्चन क्या है।
मेरा ये क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे तो नॉट डिफाइन है, टच भी नहीं करेगा सर इन्फिनिटी पे जाके, तो सर एसिम्प्टोट वहाँ पे हो कह सकता है सर, या तो थोड़ा सा पहले जैसे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पे बताया, एसिम्प्टोट का मतलब ही ये है कि वो एग्जैक्ट टच नहीं करेगा, ऐसा लगेगा हमें प्रतीत होगा, टेंड्स टू टच द कर्व, एग्जैक्ट टच तो कभी करेगा नहीं क्योंकि ना तो कभी हम इन्फिनिटी पहुंचेंगे और ना कभी वो टच कर पाएगा, इसको रिप्लेस कर लें, अ कर्व विच टेंड्स टू टच द कर्व एट इन्फिनिटी, अ कर्व विच टेंड्स टू टच द कर्व, एग्जैक्ट टच कभी नहीं कर पाएगा, tends to touch the curve at infinity is called asymptote. इससे satisfy हो गया बेटा पुष्पेंद्र? Yes sir. अब ठीक है. समझ आ गया? Okay sir. Sir. हाँ. देवगुरु पराशर तुम्हें मेरा doubt था sir. सर आपने रेंज की डेफिनेशन लिखवाई थी कि जितनी भी हमारी x की वैल्यूज होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज का सेट है वो रेंज होता है, तो यहाँ पे सर x की कुछ वैल्यूज जैसे 2n plus 1 pi by 2 वो तो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की तो वैल्यू कुछ होंगी नहीं, तो फिर रेंज रियल कैसे आएगी? तो लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये जो कर्व जा रहा है ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है सर. तो जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में इन्फिनिटी आएगा या नहीं आएगा? सर टेंड्स टू हो रहा है ना, पर मैं वही कह रहा हूँ. अच्छा ऐसे तो आप फिर ये कह सकते हो जो साइन का ग्राफ बनाते हो आप, साइन का ग्राफ ऐसे आप थोड़ा सा बना के छोड़ देते हो, फिर मैं भी उसमें कह सकता हूँ कि उसका एंड कहाँ पे होगा, आपने इन्फिनिटी को लगाया वहां पे डोमेन में. ये सेम क्वेश्चन जो आप यहाँ पे कह रहे हो कि मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, ये एंड तो नहीं होगा, तो जब आप साइन का ग्राफ बनाते हो और ऐसे करके छोड़ देते हो और आप तुरंत लिख देते हो कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स, तो मैं आपसे नहीं कह सकता सेम क्वेश्चन की एंड तो नहीं होगा, फिर आप इन्फिनिटी क्यों लिख रहे हो वहां पे? तो सर आपने मतलब जब y equals to 1 upon x का ग्राफ कराया था उसमें आपने रेंज बताई थी रियल माइनस जीरो, क्योंकि ये ना डोमेन थी हमारी रियल माइनस जीरो, तो उस पे भी तो कह सकते हैं कि एसिम्प्टोट है ना जा रहा है टेंड्स टू इनफिनिट पे जा रहा है, तो तब इसकी रेंज रियल होनी चाहिए. लेकिन इसमें डिफरेंस ये था r माइनस जीरो में कि यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कभी y एक्सिस पे जीरो पे परपेंडिकुलर नहीं आ रहा था, यहाँ पे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे अगर y एक्सिस पे तो ये वाला पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जीरो. यस सर. तो यहाँ पे तो जीरो कवर हो गया तो इसलिए जीरो ले लिया, यहाँ पे तो y वैल्यू चाहिए थी ना हमें, यहाँ पे y वैल्यू जीरो नहीं मिल रही थी, यहाँ पे y वैल्यू भी मिल गई तो इसलिए रेंज हो गई ऑल रियल नंबर्स. ओके क्लियर सर, थैंक यू सर. राइट चलो हो गया, पूछताछ का दौर खत्म, या और तमन्नाएं भी दिल में बाकी हैं पूछने की, हजारों ख्वाहिशें ऐसी. चलो ऐसा करते हैं, 10x के ग्राफ को समझाने में इतनी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ा बच्चों को समझाने में, तो ऐसा करते हैं इससे थोड़ा सा कुछ वो तो करें कि अगर ये 10x का ग्राफ था तो 2 10x का हाफ 10x का 10x प्लस 1 का 10x माइनस 1 का मॉड 10x का नेगेटिव 10x का ग्राफ मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसको एकदम से ड्रॉ कर पाना, आप देख लें और उसको समझ लें. 2 10x का मतलब होगा ये कि जीरो का दोगुना तो जीरो ही होता है लेकिन इसका दोगुना ऐसे होगा, ऐसे दोगुना दोगुना, और अल्टीमेटली इनफाइनाइट का दोगुना कितना होता है? इनफाइनाइट ही. दुगना 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 और इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2 10x का ग्राफ, हर जगह ऐसे ही हो जाएगा 2 10x. और जब हाफ 10x की बात आएगी
तो इसका आधा 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 आधा, लेकिन फाइनली इनफाइनाइट का आधा कितना होगा, इनफाइनाइट ही होता है, आधा 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 इनफाइनाइट का आधा इनफाइनाइट ही होता है, हर जगह ऐसे ही बन जाए, आधा आधा। तो ये क्या है, ये 2 10x है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टू ड्रॉ था इसलिए मैंने खुद से बना दिया है, और जीरो का आधा जीरो, इन्फिनिटी का आधा इन्फिनिटी, जीरो का दुगना जीरो, इन्फिनिटी का दुगना इन्फिनिटी, तो वो पॉइंट तो मैच करेंगे पक्का, लेकिन बाकी सब के लिए ऐसा 2 10x और 1/2 10x। इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि हमने एक बार लिया इसका आधा ये और इस बार का दुगना ये, इसका आधा यहाँ और इसका दुगना यहाँ, हमारे पास 10x का ग्राफ था, उसका दुगना ये और उसका आधा ये, लेकिन अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगे, अल्टीमेटली माइनस इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? Erase कर दें, can I erase this so that I can draw the next 2 graphs? मैं सिर्फ एक लोब बना रहा हूं, बाकी सब में वो रिपीट हो जाएगा। 10x plus 1, 10x plus 1 क्या होगा, जस्ट एक 1 ऐड होगा और द होल थिंग विल लुक लाइक प्लस 1, 10x plus 1, और यहां पर ये रहेगा ऑन द अदर हैंड 10x minus 1 will be कोई आपसे पूछे, देखो ये तो माइनस का वन है और ये प्लस का वन है, कैन समवन टेल मी कि ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये पॉइंट्स आप लोगों को अब तक इतनी ट्रिग्नोमेट्री आ जानी चाहिए कि आप मुझे बता सको कि ये पॉइंट्स क्या है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स क्या होंगे जहां पे ग्राफ ऑफ 10x प्लस 1 एंड 10x माइनस 1 इज इंटरसेक्टिंग, ये 10x प्लस 1 का ग्राफ है और ये 10x माइनस 1 का ग्राफ है, मुझे वो पॉइंट्स निकाल के दो आप जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। Have anyone got the answer for these point of intersection? So, ये point क्या आएगा? ये point क्या आएगा? ना ना ना, किसी ने भी सही नहीं लिखा अभी तक। हाँ, अब कुछ minus 5/4. हाँ, minus 5/4 and किसी 5/4. हाँ। So minus 45 and plus 45.
एंड हाउ डू वी गेट दिस, कैसे आएगा? क्योंकि अगर y बराबर ये है तो x एक्सिस पे क्या होता है, y बराबर 0, यानी कि 10x plus 1 0, 10x plus 1 0 होगा तो 10x बराबर minus 1, तो लाइक x बराबर माइनस का पाई बाई 4. और अगर ये y है तो y बराबर 0 रख के क्या मिलेगा, 10x minus 1 is equal to 0, यानी कि 10x is equal to 1, यानी कि x is equal to पाई बाई 4. तो ये ग्राफ होगा 2 10x half 10x 10x plus 1 10x minus 1. Now what about modulus of 10x? जो पार्ट ऊपर है वो ऊपर रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर हो जाएगा. नेगेटिव 10x ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, वो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा. नो लेट मी प्रोसीड टू द एक्सपोनेंशियल ग्राफ. व्हेन आई से एक्सपोनेंशियल, बाय दैट आई मीन एनी ग्राफ ऑफ द टाइप. हाँ बोलो बेटा. दूसरा जो अभी बोला है क्या होमवर्क वाला, सर एक बार रिपीट कर दो. बताइए मॉडुलस 10x और y is equal to negative 10x. अगर होमवर्क का सलूशन नहीं बता दूंगा तो फिर वो होमवर्क कैसे रहेगा? नहीं सर, वो मैं इनको मैं ये बोल रहा हूँ, होमवर्क करना कौन सा था वो किधर? ये यही दोनों करने थे. ओके. ये दोनों. तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ की अगर बात करें तो एनी फंक्शन ऑफ द टाइप a टू द पावर x where a is greater than 0 is known as exponential function. अब यहाँ पे भी दो केसेस हो सकते हैं. केस वन, when a is greater than 1. केस टू, when a is between 0 and 1. Of course, a is not allowed to become 1 because 1 means y is equal to 1 to the power x. This will become 1 for all x belonging to real number. So ये तो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. दैट्स वाई हमको पता है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0. तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 0 टू 1, 1 टू इंफिनिटी. आप लोगों को याद होगा मैंने एक चीज बताई थी कि x एक्सिस में ये 0 टू 1 है और यहाँ पे इनफाइनाइट है, और 1 अपॉन x जो फंक्शन है वो कैसे ट्रेस करता है कि यहाँ पे जितने पॉइंट है उतने ही पॉइंट 1 टू इनफाइनाइट में, जितने पॉइंट 0 से 1 के बीच में है उतने ही पॉइंट 1 से इनफाइनाइट के बीच में. कि अगर आप x कहीं भी लोगे यहां से तो 1 अपॉन x इसको बिलोंग करेगा. अगर x इसको बिलोंग करेगा तो 1 अपॉन x इसको बिलोंग करता है, और इन दोनों इंटरवल में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स है. बिकॉज फॉर एवरी पॉइंट ओवर हियर देयर इज एग्जैक्टली 1 एंड द यूनिक पॉइंट ओवर हियर. तो दिखने में ये इंटरवल लग रहा है 1 यूनिट लेंथ का, ये इनफाइनाइट लेंथ का, बट बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो हियर यू कैन सी कि ए 1 से बड़ा, ए बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ए 0 से 1 के बीच में तो ए बिलोंग्स टू 0 टू 1. इन दिस केस एक एग्जांपल ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 ले लिया, एक टेबल बना ली x वर्सेस 2x, 2 की पावर x. तो हाउ द पैटर्न इज टेकिंग प्लेस, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3. 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3. What are the values? 1 upon 8, 1 upon 4, 1 upon 2, 1, 2, 4, 8. How the graph is going to look like? Exponential graph. COVID-19 graph. At least for now. This is 1. So by looking at this, what can you say? What is the domain? What is the range of this function? Let me ask specifically to the people. Om. Om, unmute kare. Yes, sir. So Om, ye photo kab change hoga? Evening tak ho jayega. Hmm. बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स सर. ऑल रियल नंबर. रेंज क्या है सर? रेंज सर ऑल रियल नंबर्स माइनस
नहीं बता पा रहे हम। सुरभि शर्मा, यस सर। इसकी रेंज, इस फंक्शन की, जो ये फंक्शन अभी ड्रॉ किया हुआ है, 2 की पावर एक्स, जहां पे हमने वैल्यूज देखनी है, अलग अलग वैल्यूज डाल के, इसको देख के क्या लग रहा है इसकी रेंज कहां से कहां तक है? सर रेंज आपको पता है, रेंज किसकी वैल्यूज होती है, एक्स की वैल्यूज या वाई की वैल्यूज? रेंज मतलब एक्स की वैल्यूज या वाई की वैल्यूज? एनीवे नो प्रॉब्लम। अब हम पूछते हैं रोहित कुमार तिवारी। यस सर। इसकी रेंज सर इंटरनेट कनेक्शन देखो, नो आइडिया नो प्रॉब्लम बेटा। हर्ष कुमार सिंह, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो का एक नाम होता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, है ना? जीरो से ऊपर। तो फिर इसके लिए रेंज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रियल। डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल। डोमेन विल बिकम ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और रेंज विल बी आर प्लस, दैट मींस ओपन जीरो टू इनफाइनाइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम जब ए वन से छोटा है, जीरो से वन के बीच में है, what will happen, suppose हम एक केस लेते हैं 1 upon 2 की पावर x, a is equal to जैसे 2 लिया था, वैसे यहाँ पे a 0 से 1 के बीच में a is equal to 1 upon 2 ले लेते हैं, तो x versus 1 upon 2 की पावर x, इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हम वैल्यूज वही ले लेंगे, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे देखेंगे 1 upon 2 की पावर माइनस 3, 1 upon 2 की पावर माइनस 2, 1 upon 2 की पावर माइनस 1, 1 upon 2 की पावर 0, 1 upon 2 की पावर 1, 1 upon 2 की पावर 2, 1 upon 2 की पावर 3। ये 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, या 2 की पावर प्लस 3 बन जाएगा, 2 की पावर प्लस 2, 2 की पावर प्लस 1, और ये 1 upon 2 की पावर 0 ही रहेगा, ये 1 upon 2 रहेगा, ये 1 upon 2 का स्क्वायर, ये 1 upon 2 का क्यूब, यानी कि ये क्या बनेगा, व्हाट विल इट बिकम? दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम हाफ, दिस विल बिकम 1 upon 4, दिस विल बिकम 1 upon 8। सो द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। What kind of graph is this? This is an increasing graph. ये increase कर रहा था. This is increasing graph. ठीक है? On the other hand, this one will have a pattern of the form like this. Again, this will be one only. Domain and range will be same. इसके लिए ये भी domain are real numbers रहेगी, range वो रहेगी. But this is what kind of graph? This is decreasing graph. Decreasing. सर ये log का graph है ना सर? ना ये log का नहीं है, ये exponential का graph है। किसने पूछा, नाम बताएं? पुष्पेन सर, सर हमें सनी सर ने बताया था सर log का graph, सर उसको log y x का ग्राफ, नहीं x y का ग्राफ, हाँ सर उसमें भी ऐसे ही पैटर्न बनना था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऐसा ही बन रहा होगा, लेकिन ये तो नहीं बन रहा होगा सर। उसकी डोमेन और सर रेंज भी ऐसी थी सर, हाँ इक्वल टू कुछ x x नंबर था सर, सर उसमें से बेस चला गया उस साइड, मतलब लेफ्ट साइड, तो सर उसका एक्सपोनेंशियल टर्म बन गया फिर लॉग का।
ये राज अगली क्लास में खोलें या इसी इस क्लास में खोलना है कि मतलब इसका और आप लॉग का आपस में क्या कनेक्शन है, इसी क्लास में खोल देते हैं, तुमने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो सर, अगर हाँ सर शायद लॉग का ग्राफ सर शायद नीचे से ऊपर जाता है एक्स की तरफ, नहीं नीचे से ऊपर तो जाता ही है लेकिन इसका इससे क्या कनेक्शन है वो मैं बताना चाहता हूँ, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब जो काम ब्लैक करता है व्हाइट उसका उल्टा कर देता है, जो व्हाइट करता है ब्लैक उसका उल्टा कर देता है, ऐसे ही एक एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया उस पर एक्सपोनेंशियल लगाया और उस पर लॉग लगा दिया तो पूरा इफेक्ट खत्म, उसको एक्स वापस मिल जाए, या फिर एक्स लिया उस पर लॉग लगाया और उस पर एक्सपोनेंशियल लगा दिया खत्म हो जाएगा, एक्स वापस मिल जाए, That's why logarithm and exponential are inverse of each other. तो बचे हुए 5 मिनट में मैं इसी बात को बता रहा हूँ. Meanwhile, आप लोगों को जो मैथ्स की बुकलेट 1 मिली है उसमें एक सेपरेट पेज है, उसका चैप्टर का असाइनमेंट का नाम है ग्राफ्स, if I remember correctly. क्या ऐसा कोई पेज आप लोगों ने देखा अपने असाइनमेंट में? Yes, sir, 10 to 14 के बीच में है सर. हाँ हाँ, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरी इस क्लास से अगली क्लास के बीच में आप उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें, उसमें से जो जो चीजें आप लोग खुद से कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर बच्चे उसमें से काफी कुछ अटेम्प्ट करके ले आते हैं तो डिस्कशन में मजा आएगा. अगर मुझे सारे क्वेश्चन खुद से कराने पड़े तो डिस्कशन शायद उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा. तो मेक श्योर कि अगली क्लास में जब आप आए, क्योंकि कुछ ग्राफ्स अभी मुझे वैसे इंट्रोड्यूस भी करने, मैंने अभी तक आपको साइन कॉस टेन मॉडुलस एक्स एक्सपोनेंशियल और अभी लॉगरिथम बता रहा हूँ, और कुछ अभी रह रहे हैं जैसे सिग्नम एक्स है, बॉक्स एक्स है, फ्रैक्शन है, तो सिग्नम बॉक्स और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. बाकी मैंने आपको स्केलिंग बता दी है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए कि कैसे ट्वाइस करते हैं, कैसे हाफ करते हैं, कैसे एफ के बाहर करते हैं, कैसे एफ के अंदर करते हैं. अब मैं देखना चाहूंगा बच्चे, हाँ बोलो सचिन कुमार सर, कोसेक कोसेक सेक और कॉट की हाँ नहीं बताए हैं, अभी नहीं बताए हैं, वो भी बताएंगे. कोसेक सेक कॉट का बचा है, सिग्नम का बचा है, बॉक्स बचा है, फ्रैक्शन बचा है, तो कुछ कुछ बता. सर लॉग एंड एक्सपोनेंशियल का इनवर्स रिलेशन समझ में नहीं आया. हाँ वही समझा रहे हैं बच्चे को, 5 मिनट में 10 मिनट में वही समझा रहे हैं बेटा, ठीक है. अगर कोई कहता है y बराबर log x टू द बेस a, आप लोग log अभी पढ़ के चुके हो तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, x बराबर a की पावर 5. तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया. तो अगर आप इसको ऐसे लेना चाहोगे एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, तो आप देख रहे हो ये दोनों फंक्शन का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. जो काम लॉग करता है एक्सपोनेंशियल उसका उल्टा कर देता है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपोनेंशियल लिया पहले एक्स का और आपने फिर उसका लॉग ले लिया टू द सेम बेस, तो ये क्या आ जाएगा एक्स. या फिर आपने पहले लॉग लिया और फिर आपने उसका एक्सपोनेंट ले लिया, तब भी क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा. दैट्स व्हाई लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. आपने पहले एक्सपोनेंशियल लिया फिर उसका लॉग टू द बेस ए ले लिया तो एक्स वापस आ गया. पहले आपने लॉग लिया उसका आपने एक्सपोनेंट लिया, इसको आपको एज ए प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ए टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस ए वो भी एक्स आ जाएगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो ग्राफ के रिगार्डिंग है कि ओरिजिनल फंक्शन एंड इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू x. फॉर ग्राफ्स ओरिजिनल फंक्शन एंड इनवर्स आर मिरर इमेज of each other with respect to the line
y is equal to x. अब ये चीज मैं इलस्ट्रेट कर देता हूं इन नेक्स्ट टू मिनट्स कि कैसे वो जो हमने फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोनेंशियल का बताया था, अचानक से सचिन कुमार को याद आया या पुष्पेंद्र को कि सर ने लॉग का भी ग्राफ बनाया था, वो भी ऐसे आया था। हर्ष कुमार सिंह ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी डीपी लगा रखी है, काफी ऐसी है बिल्कुल मतलब हॉलीवुड कैरेक्टर जैसा मुझे लग रहा है। ये नोट डाउन कर लिया हो तो मैं वो ग्राफ बना दूं। मेहनत करनी है बेटा 19 जुलाई वाले टेस्ट को, आप 100 डे टेस्ट मान लो। देखो 10 अप्रैल को आपकी पहली क्लास हुई थी और 19 जुलाई को 100 डेज हो जाएंगे, तो इट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर योर 100 डे टेस्ट। 100 डे टेस्ट उसमें कितने टॉपिक आ रहे हैं? 10 टॉपिक, 4 + 4 = 2, पूरी ताकत लगा दो जोश के साथ, बढ़िया करना है, कॉम्पीट करना है एक दूसरे के अगेंस्ट, हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो देखो, हाँ सर, करंट टॉपिक का वेटेज कितना होगा? ये वेटेज के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं किया जाएगा। नहीं सर, पिछली बार बोला था, ठीक है सर। इस बार वो डिक्लेरेशन नहीं होगा, इस बार गैस वर्क रहेगा, मतलब हर चीज को तैयार करना है। ये कौन सी लाइन है? ये y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू x। ये किसका ग्राफ है? a की पावर x का। और ये किसका ग्राफ है? log x टू द बेस a का। ये क्या है? दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज। और ये कौन सा केस है? जब a 1 से बड़ा। इसके लिए एसिम्प्टोट क्या है? x एक्सिस। इसके लिए एसिम्प्टोट क्या है? y एक्सिस। एक्सपोनेंशियल ग्राफ के लिए एसिम्प्टोट है x एक्सिस, लॉगरिथमिक ग्राफ के लिए एसिम्प्टोट है y एक्सिस। सर बोलो बेटा। सर अगर x is equals to log y base a लें और तब वो a to the power of x को ओवरलैप कर देगा ना? अगर x बराबर क्या लें? log y base a, log y to the base a, कर देगा। तो सर फिर वो मतलब कह सकते हैं कि log x base a and log y base a दोनों इनवर्स हैं? नहीं, हमको ये आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलना है। तो मोस्टली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को ही बोलते हैं, और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये दूसरा केस है जब ए 0 से 1 के बीच में है, उस केस में ये ए की पावर एक्स का ग्राफ है और ये लॉग एक्स टू द बेस ए का ग्राफ, और ये लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, और ये पॉइंट 1,1 होगा, मतलब 1,1 तो नहीं होगा शायद, नहीं कोई और पॉइंट होगा, लेकिन कट जरूर करेंगे एक दूसरे। ये कब है ग्राफ? एक्सपोनेंशियल लॉग, एक्सपोनेंशियल लॉग लाइन, ये y = x, ये लाइन y = x पासेस थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और आप देखोगे इनवर्स फंक्शन में और ओरिजिनल फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती है, डोमेन एंड रेंज गेट्स इंटरचेंज्ड। एक्सपोनेंशियल की डोमेन क्या थी? ऑल रियल। रेंज क्या थी? पॉजिटिव रियल। लॉग की डोमेन क्या है? पॉजिटिव रियल। रेंज क्या है? ऑल रियल। तो डोमेन एंड रेंज गेट्स इंटरचेंज्ड इन केस ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। मेहनत करें,
एक्साइटेड रहें पढ़ाई के लिए, हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, टेक प्रॉपर स्लीप, ईट प्रॉपरली एंड बी एंथुजियास्टिक अबाउट न्यू लर्निंग्स विच यू आर डूइंग नाउडेज. इन 100 दिनों में जो लर्निंग की है उसकी कम से कम 3 गुना लर्निंग होनी चाहिए नेक्स्ट 100 डेज में. इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था कि आपका जो पढ़ने का ग्राफ होगा, कर्व होगा, वो एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा. एक्सपोनेंशियल में जो 0 से 1 के बीच में ग्रोथ होती है और 1 से 2 के बीच में होती है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस होता है. 0 से 1 में वैल्यू जाती है 1 से लेके ई तक. अगर हम ई को बेस मान लें, ई इज एन इरेशनल नंबर नियर टू 3, और 1 से 2 के बीच में e की पावर 1 से e की पावर 2, 2.7 से लेके 7 पॉइंट समथिंग हो जाता है. तो आप उसी से अंदाजा लगा लो कि आपको नेक्स्ट 100 डेज में क्या करना है. लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है. ऑल्सो द केस इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हाँ ओरिजिनल का इनवर्स होगा, लेकिन ओरिजिनल आपको उसके हिसाब से लेना पड़ेगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो इनवर्स लिया जाता है वो ओरिजिनल का इन्वर्स नहीं होता है, उसके एक छोटे से भाग का इन्वर्स होता है. साइन पूरे का इन्वर्स नहीं होता है, साइन के ट्रंकेटेड पार्ट का इन्वर्स होता है. उसके लिए ये चीज ट्रू होगी जो मैंने अभी बताई है. देवगुरु, दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. हाँ बोलो बेटा. सर कोसेक जीरो तो यानी जो कोसेक जीरो का ग्राफ होगा वो जीरो को टच नहीं करेगा ना? कोसेक जीरो का तो कोई ग्राफ ही नहीं होगा, कोसेक एक्स का ग्राफ होगा. हाँ सॉरी सर, कॉसेक एक्स का जीरो को टच ही नहीं करेगा ना कभी? नहीं, नहीं करेगा जीरो को टच. ओके, इनफैक्ट माइनस वन से वन के बीच में वो कोई भी वैल्यू नहीं लेगा.